दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित शर्मा, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने अभिजात क्लासेज पर। पिछले वीडियो में हम जान चुके थे कि स्वर क्या होता है। सबसे पहले हमने स्वर की डेफिनेशन देखी और स्वर की डेफिनेशन के बाद हमने जाना कि स्वर के कितने भेद होते हैं, जिसमें अपन ने रहस्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में जाना। अब हम उसी से आगे हम चर्चा करेंगे कि व्यंजन क्या होता है। तो आइए जानते हैं व्यंजन क्या होता है। तो हमने लिखा व्यंजनम। आज हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है व्यंजनम। तो व्यंजनम किसको कहते हैं? स्वरम, स्वरम अनुयोज्यम, अनुयोज्यम स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, इति व्यंजनम। हम कहेंगे स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। स्वरम स्वर को अनु पीछे, योजम जोड़कर, स्वर को पीछे जोड़कर जो वर्ण बनता है वह व्यंजन कहलाता है, वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की दृष्टि से समझें तो ये हलंत कह है, इसके पीछे यदि हम कोई स्वर जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा? व्यंजन वर्ण बन जाएगा। यदि मैं इस ए स्वर को इसके पहले जोड़ूं, इसके पहले योग करूं, तो ये क्या बन जाएगा? अक बन जाएगा, जो व्यंजन नहीं होता है। तो देखें, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, स्वर को पीछे जोड़कर जो वर्ण बनता है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या हम कहें कि जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता है और जिनका उच्चारण करने पर हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वरों की सहायता लेते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाली, स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाली, उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ, ध्वनियाँ व्यंजन, व्यंजन ध्वनियाँ, ध्वनियाँ कहलाती हैं, कहलाती हैं। क्या कहेंगे कि स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। या हम कहें, या ऐसे ऐसे समझने का प्रयास करें कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में किसी बाधा, रुकावट या संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें हम व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। एक बार देखिए, फिर से देखने का प्रयास करें। आप इसको तीन तरह से समझ सकते हैं। पहली बात, हम कहें कि स्वर को पीछे जोड़कर जो वर्ण बनता है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है और जिनका उच्चारण करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वर की सहायता लेते हैं, तो वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई जो श्वास वायु है वो मुख में आकर किसी बाधा, संघर्ष या रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती हैं, तो वह व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो व्यंजन है, इस व्यंजन वर्ण को हम माहेश्वर सूत्रों में किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? हल के नाम से भी जानते हैं। तो हम किसी भी व्यंजन वर्ण को लिखते समय हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। एक बात आपको बता दूं कि किसी भी वर्ण के नीचे जब हम हलंत का प्रयोग कर देते हैं तो वो वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। फिर हमने एक बात और जानी कि जिन जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं, देखिए
हलंत लगाया, हलंत इसे क्या कहेंगे, हलंत। और जिस वर्ण के नीचे हलन लगते ही वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। फिर हमने स्वर में जाना था कि रहस्य स्वर जो होता है उसमें एक मात्रा का समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर होता है उसमें दो मात्राओं का समय लगता है, और जो प्लुत स्वर होता है उसमें तीन मात्राओं का समय लगता है। तो हम इसको यह भी कह सकते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है वो क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है। क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है। जो व्यंजन वर्ण है वो क्या होता है, अर्धमात्रिक कहलाता है। तो देखिए हमने जाना कि व्यंजन क्या होता है, अब हम महेश्वर सूत्रों के आधार पर ये जो व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है इनकी तीन श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है। वो तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है तीन भाग कह दें या तीन श्रेणियां कह दें, सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। हम इसको कहेंगे, सूत्र है इसका कादियो मावसानाह, कादियो मावसानाह स्पर्शः, कादियो मावसानाह स्पर्शः, अर्थात के आदियो, के आदियो में अवसानाह स्पर्शः, के आदियो में अवसाना स्पृशा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि के आदियों का अर्थ होता है प्रारंभ, आदियों का अर्थ होता है प्रारंभ, और अवसाना का अर्थ होता है समाप्त, अवसाना का अर्थ होता है समाप्त। हम कह सकते हैं कि कैसे प्रारंभ होकर मैं तक समाप्त होने वाले वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, कि कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन के बारे में जानें तो क्या होगा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु है वो मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमने जाना कि स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन वर्ण हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है, उदित वर्ण भी होता है। क्या होता है, उदित वर्ण भी होता है। हम कहें कि कु, चु, टू, तू और पु, कु, चु, टू, तू, पु, एते उदित है, एते उदित है। मतलब कु, चु, टू, तू, पु, इनके अंदर जो व्यंजन वर्णों का जो समूह है उसे हम उदित वर्ण के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे कहें कु का मतलब कह सकते हैं आप कै वर्ग, चू का मतलब चै वर्ग, टू को कह सकते हैं आप टै वर्ग, तू को कह सकते हैं तै वर्ग, और
पू को कह सकते हैं आप प वर्ग, कू को कह सकते हैं क वर्ग, चू को च वर्ग, टू को त वर्ग, टू को त वर्ग, पू को प वर्ग। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन हैं उनको हम उदित वर्ण भी कह सकते हैं, उनको हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। अब आगे बात आती है कि कैसे लेकर, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक जो 25 जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन कादियों मावसाना है स्पर्शा, के आदियों में अवसाना है स्पर्शा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन को हम उदित वर्ण के नाम से भी जानते हैं, कू चू टू तू पू एते है उदित है। कू का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग और पू का वर्ग मतलब प वर्ग। अर्थात इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे इसकी जो दूसरी श्रेणी है जिसे हम कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहेंगे? अंतःस्थ व्यंजन, उसके बारे में हम जानते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जिसे हम चार मानते हैं, पहले हम माहेश्वर सूत्रों में हमने देखा था और जाना था कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा सा इसको अलग से देखेंगे। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन इसे हम कह सकते हैं यणु अंतःस्थः। अर्थात हम यण वर्ण किसे कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन हम कहते हैं कि इनके उच्चारण में, किन्हें कहेंगे? इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर, इनके उच्चारण में श्वास वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर, मुख से बाहर नहीं निकलकर, निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, अंदर ही विद्यमान रहती है, अंदर ही विद्यमान रहती है। क्या कहेंगे? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख के अंदर ही स्थित रहती है, मुख के अंदर ही विद्यमान रहती है, बाहर नहीं निकलती है, ऐसे व्यंजन वर्णों को हम अंतःस्थ व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। या इसे सरल शब्दों में आप समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो हमारी प्राण वायु है वो मुख के अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलती, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत यणु अंतःस्थ, अर्थात हम अंतःस्थ व्यंजन को हम यण प्रत्याहार के नाम से भी जानते हैं। जब महेश्वर सूत्र देख रहे थे उस समय आपको बताया था यण वर्ण भी कह सकते हैं और यण प्रत्याहार भी कह सकते हैं। और यण प्रत्याहार में कितने वर्ण? ये, वे, रे और ले, ये जो चार वर्ण हैं ये हम किसे ना किसे कहे, ये जो चार वर्ण हैं इन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। एक बार यहाँ पे मुख्य बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो अंतःस्थ व्यंजनों का जो कर्म होता है वो ये, वे, रे, ले होता है। हिंदी में हम अगर इसे कहें तो हिंदी में होता है ये, रे, ले,
वह। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, संस्कृत में जो इनका कर्म है वो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ये वह रलय होता है। अब हम इसके आगे बात करें तो तीसरी जो श्रेणी आती है उसे हम कहते हैं उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। जो तीसरी श्रेणी है उसे हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। और हम इसे कहते हैं सल उष्माण है, सल उष्माण है, सल उष्माण है। मतलब उष्म व्यंजन को हम और किस नाम से भी जान सकते हैं? सल वर्ण के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? सल। उष्म व्यंजन क्या होता है? उष्म व्यंजन होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हल्की सी जो उष्मा बाहर निकलती है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है वो तीव्र गति से बाहर निकलती है और हमें एक उष्मा अर्थात हमें गर्मी का एहसास होता है, ऐसे वर्णों को हम उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु तीव्र गति से बाहर निकलती है और ऊष्मा का एहसास करवाती है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? उष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। तो हमने जाना कि जो व्यंजन वर्ण है उनकी तीन श्रेणियां होती है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब हम इसके अलावा एक संयुक्त व्यंजन के नाम से भी हम एक पढ़ते हैं, इसको अलग से माना गया है। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं और वर्तमान में जो संयुक्त व्यंजन है वो चार प्रचलित हैं। और वो चार कौन कौन से हैं? अक्षय, त्रय, ज्ञेय और श्रय। दो व्यंजन वर्ण क और श के योग से बनता है, त्रय कैसे बनता है? तय और रय के योग से बनता है, ज्ञेय कैसे बनता है? जय और ये के योग से बनता है और श्र कैसे बनता है? श्र और रय के योग से बनता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक बार फटाफट हम इसको एक बार पुनः देखने का समझने का प्रयास करेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं और उष्म व्यंजन। देखिए ये हैं व्यंजन। हमने इनकी कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तीन श्रेणियों में। पहला था स्पर्श व्यंजन। क्या था? स्पर्श व्यंजन। दूसरा था अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा था उष्म व्यंजन। क्या था? उष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन था, उन्हें हम पांच भागों में विभाजित किया था, जिसे हमने कहा था कु, चु, टू, तू और पु। कु, चु, टू, तू, पु। या हम इन्हें ये भी कह सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पैवर्ग। और पैवर्ग कैवर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ और ग। चैवर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ, ञ। टैवर्ग का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ और ण। तैवर का मतलब होता है ते, थे,
द, ध और ने। और पैवर का मतलब होता है पै, फे, बे, भे और मैं। ये हमने जाना स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इन्हें हम उदित वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उदित वर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि उदित वर्ण में उ की इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात हम इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हम एक सूत्र पढ़ते हैं, कादियो मावसानहा, कादियो मावसानहा स्पर्शः, स्पर्शः। इसी तरह हमने देखा कि जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? चार होते हैं। चार कौन कौन से? ये, वे, रे और ले। ये, वे, रे और ले। इसके लिए हमने देखा सूत्र, यणो अंत है, यणो अंत है स्था, यणो अंत है स्था। इसी तरह उष्म व्यंजन के बारे में हमने जाना, ये भी कितने होते हैं? चार होते हैं, स, श, से और है। कितने होते हैं? चार होते हैं। इनके लिए हमने सूत्र देखा, सल उष्माण है, सल उष्माण है। और इसके अलावा हमने एक चौथा और देखा जिसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनका उल्लेख माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया है। वर्तमान में ये भी कितने प्रचलित हैं? चार प्रचलित हैं, क्षेत्र, ज्ञ और श्रेय। क्ष कैसे दो संयुक्त व्यंजनों के व्यंजन वर्णों के मेल से बनता है, क और श्रेय। त्रय कैसे बनेगा? त और रे। गे कैसे बनता है? जे और ये। और से बनता है से और रे के योग से। अब देखिए, महेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर हमने बताए कितने होते हैं? नौ होते हैं। व्यवहारिक रूप से कितने होते हैं? तेरह होते हैं। और अगर पाणिनि के अनुसार बात करें तो कितने होते हैं? 21 या 22 होते हैं। उसी तरह माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या देखी जाए तो कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है और उनके आधार पे कौन कौन से वर्ण किन में आते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, वीडियो को देखने से पहले जो पहले वाले वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का आपको पता चले और आप उसे देख सकें। जय श्री श्याम।